हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हर बार की तरह हम निफ्टी फिफ्टी का पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, और आने वाले हफ्ते में हमने आपके लिए कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं वो देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। इस पे मैंने ईएमए 20, 50, 100, 200 प्लॉट किए के रखा हुआ है, और नीचे आरएसआई का इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है। वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए रहता है, लेकिन हमारी जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो ईएमए 20, 50, 100 और 200 की स्ट्रैटेजी है। अगर आपने स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके स्ट्रैटेजी की वीडियो देख कर उसे समझ कर फिर इस वीडियो पर वापस आएंगे, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए निफ्टी 50 का पहले एनालिसिस करते हैं। हम लास्ट वीक यहाँ पे कहीं थे जहाँ पे हमारा अनुमान था कि निफ्टी साइडवेज है, यहाँ तो नीचे जाएगा। जब तक वो ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। ये हमारा लास्ट वीक का व्यू था। आज आप देख सकते हैं, आज की कैंडल ने, फ्राइडे वाली कैंडल ने बड़े वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और ऊपर जाके क्लोज दे दिया है। इससे निफ्टी ने ये दर्शा दिया है कि वो अभी ऊपर जाने के पूरे मूड में है। अभी निफ्टी में आपको अगर कोई सौदा बनाना है तो उसमें ये 200 ईएमए आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ आप इसमें सौदा बना सकते हैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को देखकर। तो ये था निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। चलिए बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं एक बड़ी कैंडल आज बनी हुई है। लास्ट वीक हम यहाँ पे थे और मैंने कहा था कि ये इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसको बैंक निफ्टी को क्लोज करना है। आप देख सकते हैं आज ही फ्राइडे के दिन इस कैंडल ने बड़े बेहतरीन वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और हमें ये दिखा दिया है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने के पूरे मूड में है। तो बैंक निफ्टी में भी हम निफ्टी के जैसा ऊपर का सौदा बना सकते हैं। 200 ईएमए के जस्ट नीचे वाली जो ईएमए है, 20 ईएमए, उसका स्टॉप लॉस इसमें आप लेके राइड कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। चलिए बढ़ते हैं आने वाले हफ्ते में मैंने आपके लिए कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ वो स्टॉक्स देखेंगे जो मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ वो कैसे परफॉर्म करे हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक जो मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले रिकमेंड किया था वो था जेके पेपर। वो देख सकते हैं हमारा जो सेटअप है उसके बेसिस पे ही मैंने ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी थी। आपको बताया था कि यहाँ पे इसने बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव आया है। आज भी इसने बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनाई है। तो ये जेके पेपर है जो हमने पहले रिकमेंड किया था, बहुत ही अच्छा चल चुका है। उसके बाद एक और स्टॉक हमने रिकमेंड किया था, सोलार इंडस्ट्रीज। सोलार इंडस्ट्रीज 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे रिकमेंड किया था। देख सकते हैं ये लेवल ब्रेक करने के बाद कैसे बेहतरीन तरीके से ऊपर ही जा रहा है, नीचे आने का कोई नाम नहीं ले रहा, राइट। उसके बाद एक और स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आई बिलीव लास्ट वीक ही किया था, उसको हैवी वेट करके बोला था मैंने। आपके पास अगर वो वीडियो नहीं हो तो आप वो वीडियो देख के इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्टॉक को आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया था कि रिलायंस अभी ऊपर जाने के पूरे मूड में है, और उसने बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया भी है और ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ऊपर जाके सस्टेन करने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। और एक और स्टॉक हम देख लेते हैं जो हमने पिछले समय में देखा था, वो था जीएनएफसी। जीएनएफसी तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से 500 रुपये से लेके 800 रुपये तक की रैली हम देख चुके हैं जीएनएफसी में। इसी हमने आई बिलीव 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखा था इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इस तरह से कुछ चार्ट को एनालाइज किया था। यहाँ से एक ड्रॉपिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी मैंने, जिसने ये कैंडल ने ब्रेक की थी, नीचे आया रिटेस्ट करके 200 ईएमए को नहीं काटा और सीधा ऊपर चला गया। ये थे चार स्टॉक्स जो मैंने पिछले हफ्ते के वीडियोस में से निकाले हैं। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने ये स्टॉक्स रिकमेंड करे थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चले हैं। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते मैंने आपके लिए कौन से स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखे हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है वो है पेज इंडस्ट्री। जी हाँ, पेज इंडस्ट्री बहुत ही बड़े प्राइस वाला स्टॉक है, राइट। 40,000 का प्राइस देख के कोई भी इंसान इसे खरीदने से पहले पूरी एनालिसिस करना चाहेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे सिमिलर सेटअप बनाया हुआ है जैसे लास्ट टाइम क्यूमिंस इंडिया ने बनाया था। क्यूमिंस इंडिया, अगर आपको याद ना हो, मैं आपको पहले वो चार्ट दिखा देता हूँ। क्यूमिंस इंडिया, यस, इसने भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे सेम सेटअप बनाया था। इस तरह से ईएमएस को कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट आया और बहुत अच्छे से चल पड़ा। तो चलिए, सेम सेटअप है पेज इंडस्ट्रीज में भी। पेज इंडस्ट्रीज पर वापस जाते हैं और मैं आपको पेज इंडस्ट्री का चार्ट दिखाता हूँ। सेम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे वैसे ही बनाया हुआ है, और यहाँ पे इसने आज एक हल्का सा ब्रेकआउट किया है विथ वॉल्यूम। आप देख सकते हो नीचे वॉल्यूम भी है, तो आप इसमें राइड कर सकते हैं 200 ईएमए का स्टॉप लॉस लेके, और 1:3 का टारगेट इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ये था पेज इंडस्ट्री के ऊपर मेरा व्यू। अगला स्टॉक जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई करके रखा है वो है बजाज होल्डिंग। इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सेटअप बनाया है। सारी EMAs कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये एक बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है विथ वॉल्यूम। इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और 200 EMA का स्टॉप लॉस लगा के बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टिंग पे भी राइड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक जो है वो है एंजल वन। एंजल वन जो है वो आप देख सकते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारी EMAs कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक अगर मैं ड्रॉपिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से बनती है। इस कैंडल ने उस ड्रॉपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट तो कर दिया है लेकिन उसके ऊपर प्राइस नहीं गया है। तो आप आने वाले हफ्ते में इसके इस प्राइस के ऊपर का अलर्ट लगा के इसको रख सकते हैं। और आने वाले हफ्ते में अगर ये 1607 के ऊपर जाके एक भी मिनट की कैंडल क्रिएट करता है तो हम उसमें हमारी एंट्री ले लेंगे और 200 EMA का स्टॉप लॉस लेके इसको राइड करेंगे। इसमें भी हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो मिनिमम 1:3 का रहता है। तो ये था एंजल वन के ऊपर मेरा व्यू। अगला स्टॉक जो है जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई करके रखा है उसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बेहतरीन ये मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप नीचे देख सकते हैं अच्छे से डाइवर्जेंसेस भी है। आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ से प्राइस जब नीचे जा रहा था तो RSI जो है वो ऊपर आ रहा था राइट। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस का भी एक संकेत था, इसके लिए ये मेरे वॉच लिस्ट में आया। और यहाँ पे इसने बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम के साथ इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। इसके ऊपर आज एक कैंडल क्रिएट हो गई है, मतलब हमारी इसमें एंट्री एक्टिवेट हो गई है। आप भी इसमें एंट्री ले सकते हैं 200 EMA के स्टॉप लॉस के साथ आने वाले हफ्ते में। और यहाँ से कम 1:3 का इसमें आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। इस हफ्ते का जो आखिरी स्टॉक है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस लिमिटेड। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने EMAs को कॉन्ट्रैक्ट किया है और आज एक बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ 200 EMA को ऊपर काटा है। और ये जो इसका इमीडिएट एक छोटा सा रेजिस्टेंस था जो ये कह सकते हैं उसको इसने ब्रेक किया है, लेकिन मेरी इसमें एंट्री जो है वो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद होगी आने वाले हफ्ते में। 501 के ऊपर जब वो कोई भी 4 घंटे की कैंडल क्रिएट करके क्लोज देगा उसके ऊपर तब मेरी एंट्री एक्टिवेट होगी और 200 EMA का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन 1:3 के टारगेट के लिए हम इसमें राइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टॉक्स इस हफ्ते के लिए। मैंने आपको पिछले हफ्ते के भी स्टॉक्स का रिव्यू दे दिया कि कैसे वो चल रहे हैं। ये हफ्ते भी मैंने आपको स्टॉक्स विथ लॉजिक एक्सप्लेन करे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे स्टॉक्स विथ लॉजिक समझ में आए होंगे, आपने इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, आपके पास ही वीडियो पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए डिसिप्लिन फॉलो करिए और रिस्क को मैनेज करिए क्योंकि यही दो मात्र हथियार है एक रिटेल ट्रेडर के पास। धन्यवाद।